नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल ऋषि टेक नॉन टेक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम कैलकुलेशन के बारे में। जैसे आपका जो हाउस लोड होता है, जो घर का आपका लोड होता है, कितना होता है, कितना वाट होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके लिए कितने वाट का इन्वर्टर चाहिए, फिर हम देखेंगे कितनी बैटरी चाहिए, कितने साइज़ की बैटरी चाहिए आपको, फिर हम लोग देखेंगे आपका जो मतलब सोलर पैनल, कितने सोलर पैनल की ज़रूरत है। चलिए आइए पहले हम क्या करते हैं, हाउस का लोड देखते हैं। पहले क्या करेंगे हम, सोलर सिस्टम कैलकुलेशन के बारे में हम लोगों को देखना है। तो सोलर सिस्टम कैलकुलेशन में हम सबसे पहले हाउस लोड देखते हैं। हाउस लोड मतलब आपके घर का लोड कितना है। देखिए, आपके घर में फैन चल रहे होंगे, पंखा चल रहे होंगे। हम मानते हैं कि आप घर में 3 फैन चल रहे होंगे और एक 60 वाट का अगर हो या 80 वाट का हो, चलिए हम 80 वाट का मान ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 240 वाट। अब LED लाइट चल रहे होंगे, LED लाइट अगर 4 LED लाइट चल रहे हैं और 9 वाट के हैं तो 36 वाट। उसके बाद हम लोग देखें ट्यूबलाइट अगर हो और एक ट्यूबलाइट चल रही हो और माना कि 40 वाट का अगर हो, कितना हो जाएगा, टोटल 40 वाट। एक एलईडी टीवी होगा, कितने वाट का होगा, 50 वाट का, कितना हो जाएगा, 50 वाट। अब टोटल हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके जोड़ लेंगे, टोटल पावर निकाल लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 6 और 3 366 वाट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इन्वर्टर या UPS की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, चूँकि 366 वाट है तो इसके लिए अगर 500 वाट का भी अगर इन्वर्टर रहेगा तो ये चल जाएगा, लेकिन 500 वाट का लोकल मिलेगा और वो बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग क्या प्रीफर करते हैं कि 800 से लेके इन्वर्टर जो होगा, इन्वर्टर या UPS जिसको आप कह रहे हैं, UPS 800 वाट से लेके 1000 वाट तक का UPS जो हम लोग लेंगे, इन्वर्टर लेंगे, वो बहुत अच्छा माना जाता है और अच्छी कंपनी का लेंगे। जैसे आपका लुमिनस हो गया, माइक्रोटेक हो गया, तो अच्छे अच्छे कंपनी के लेंगे तो ज़्यादा उसकी लाइफ लाइन होती है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। अब क्या, देखिए DC करंट रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, DC करंट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, फार्मूला जानते हैं, P=V×I। टोटल पावर कितना आया था आपका, 366 = वोल्टेज, क्योंकि हम 12 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं तो इसके लिए 12, और करंट I का मान हमें निकालना ही है। देखिए I = क्या हो जाएगा, 366/12 बराबर कितना हो जाएगा, 30.5 मतलब 30 एम्पेयर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बैटरी के साइज सिलेक्शन कर लेंगे, और बैटरी का साइज सिलेक्शन जब करते हैं तो उसमें किस में निकालते हैं, H में निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए बैटरी क्या करेंगे, बैटरी साइज सिलेक्शन, बैटरी साइज सिलेक्शन करेंगे और किस में करेंगे हम लोग, एच में। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है आपका, W×H/V। अब देखिए W का मतलब क्या होता है, टोटल लोड / बैकअप टाइम इन आवर मतलब कितने घंटा आपको चलाना है, और नीचे क्या होगा, बैटरी वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखी, जैसे W का मान आपका कितना आया था, 366 जो आपको घर का लोड था, उसके बाद बैकअप मान के चले कि अगर आपको 8 घंटा चलाना हो या 6 घंटा या 10 घंटा, तो उसके हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं। चलिए हम मान के चल रहे हैं कि हमें क्या करना है, 8 घंटा चलाना हो, बैटरी का वोल्टेज कितना था, 12 वोल्ट। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 244 AH। ठीक है, अगर यही हमें 8 घंटा ना चला के अगर 6 घंटा चलाना हो, 6 आवर चलाना हो अगर हमें, तो उसको भी अगर हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 366 और कितना हो जाएगा, 6 और ये 12, 6 गुना के 12
और ये इसको कैंसिल कर लेंगे आप तो 183 AH, ठीक है। और हमारी जो देखिए आप जानते हैं कि जो बैटरियाँ आती हैं वो 150 AH में भी आते हैं, 180 AH का भी आती है, 200 AH में भी आते हैं, ठीक है, और 220 AH में भी, 250 AH में, ठीक है। जैसे ये 244 AH का है तो आप क्या करेंगे, 250 AH की बैटरी ले लेंगे। अगर आपका ये 6 घंटे के लिए अगर आया, 183 AH का आया, तो क्या करेंगे, 200 AH की अगर आप बैटरी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो करते हैं हम बैटरी चार्जिंग करंट, मतलब बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने करंट की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए बैटरी चार्जिंग करंट, बैटरी चार्जिंग करंट क्या होता है आपका, ये होता है जो बैटरी साइज, बैटरी साइज मतलब एच में था आपका, ठीक है, अपान 10। एक फार्मूला होता है बैटरी करंट को निकालने का, क्या होता है फार्मूला होता है, हमने कितना निकाला था 8 घंटे के लिए हमने चलाना है हमें, तो क्या करेंगे 44 अपान इतना कितना हो जाएगा 24.4 एम्पेयर। करंट का जो मात्रक होता है वो क्या है, एम्पेयर होता है। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग इसको, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, करंट निकाल लिया था किसका, बैटरी का, ठीक है। अब लोग हम बैटरी करंट निकालने के बाद क्या करेंगे, अब सोलर प्लेट्स का जो करंट होता है अब उसको निकालेंगे, अब लोग क्या करेंगे सोलर प्लेट का करंट निकालेंगे, सोलर प्लेट्स करंट, सोलर प्लेट का क्या करेंगे हम लोग करंट निकालेंगे। देखिए सोलर प्लेट का कलर करंट इसलिए निकालते हैं क्योंकि बैटरी को भी क्या करना है, चार्ज करना है, लोड को भी क्या करना है, चलाना है, तो दोनों को जो है कि आप जब जोड़ देंगे तो सोलर प्लेट का क्या होगा, करंट पता हो जाएगा। आपने अभी देखा था हम लोगों ने क्या निकाला था, 24 एम्पेयर आपका आया था बैटरी का और 30 एम्पेयर किसका आया था, घर के चार्ज का। और इसका क्या होता है, बैटरी चार्जिंग करंट प्लस होम लोड का जो था, होम लोड करंट, दोनों क्या करेंगे आपस में हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ने पे कितना आ रहा है 54 एम्पेयर, 54 एम्पेयर आ रहा है। अब क्या करेंगे सोलर प्लेट का क्या करेंगे, पावर निकालेंगे, सोलर प्लेट का क्या करेंगे, सोलर प्लेट्स पावर, सोलर प्लेट का पावर निकालेंगे। जैसा कि देखिए आपको पता है कि 125 वाट का जो आती है सोलर पैनल वो आउटपुट कितना देती है, 12 वोल्ट। लेकिन अगर उसी में अगर कोई लोड नहीं लगा है, ठीक है, तो अगर उसका अगर हम वोल्टेज नापेंगे तो लगभग वो 14 वोल्ट से लेके 16 वोल्ट तक देगा, ओपन अगर सर्किट है तो, ठीक है, अगर वही क्लोज हो जाएगी तो 14 से लेके 16 तक, अगर ओपन है तो 18 से लेके 21 तक, ठीक है, जैसा कि मैंने बता दिया। और प्लेट पावर के लिए क्या फार्मूला होता है, पी इक्वल टू वी इंटू आई, पी का हमें मान ज्ञात करना है। और हमने यही बताया था कि 12 वोल्ट अगर आपका आउटपुट दे रहा है लेकिन उस पर कोई लोड नहीं है तो कितना इसका वोल्टेज आपको शो करेगा, ऐसे 14 वोल्ट से लेके 16 वोल्ट तक, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 14 वोल्ट के लिए ले रहे हैं यहाँ पे, तो 14 वोल्टेज हो गया इसका, और धारा टोटल जोड़ने पर कितना आता है 54 कितना हो गया टोटल मिला के 756 वाट। तो मतलब क्या है आपका 366 वाट, मतलब घर का जो लोड है उसके लिए आपको 756 वाट सोलर पैनल लगेंगे, ठीक है। अब चूंकि आपको ये भी पता है कि 756 वाट का सोलर पैनल तो आता नहीं है, ठीक है, लेकिन अब उसके लिए क्या करेंगे, जो आपके घर जो मतलब मार्केट में सोलर पैनल आते हैं हम आपको बता दे रहे हैं, 125 वाट, 180 वाट, 375 वाट और 440 वाट। देखिए जो 125 वाट का होगा ये 12 वोल्ट का, ठीक है, 180 वाट का भी कितना देता है 12 वोल्ट, 375 वाट का कितना देता है 24 वोल्ट देता है, ठीक है, 24 वोल्ट देता है। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा बैटरी कितना है 12 वोल्ट का, तो हम किसको लगा पाएंगे, 125 वाट को या तो 180 वाट का, ठीक है। अगर हम 125 वाट का सोलर पैनल अगर लगाते हैं तो क्या करेंगे, जितना मेरा वाट आया ये 756, इसमें क्या करेंगे 125 का भाग दे देंगे तो लगभग कितना आ रहा है 6 पैनल। तो लगभग आपको जो है कि 366 वाट के लिए
छः पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप वही 180 वाट का लगाते हैं तो आपका लगभग 4 पैनल, ठीक है, तो लगभग क्या हुआ 4 पैनल। 366 वाट के अगर घर का आपका लोड है तो अगर 180 वाट का लगाते हैं तो कितना हो गया 4 पैनल। अगर आप वही 125 वाट लगाते हैं सोलर पैनल तो कितना होगा 6 पैनल, ठीक है। अगर और भी जैसे वीडियो, अगर जो लोग आप लोग वोल्टेज वगैरह सोलर पैनल का निकालना नहीं जानते, करंट नहीं निकालना जाता है, तो मैंने पिछले वीडियो में क्या है अपलोड कर दिया है, आप उसको जाकर जरूर देखिए। धन्यवाद।